नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं ऋषिका। बिहार में इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, हर तरफ चुनावी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। इसी बीच लालू के लाल यानी कि तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से हो सकता है कि अब उन्हें एक बार फिर अपने चाचा की वजह से माफी मांगना पड़े। तेजस्वी यादव जो इस समय बिहार के मुख्यमंत्री अगले मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं आरजेडी की तरफ से, वो हो सकता है कि अब उन्हें एक बार फिर अपने एक बयान की वजह से माफ़ी मांगनी पड़े। इससे पहले भी जो तेजस्वी यादव हैं अपनी माता पिता की जो उनकी पार्टी थी उनकी सरकार में जो भी काम हुआ उसके लिए माफ़ी मांग चुके हैं। एक बार वो कह चुके हैं पहले भी कि मेरे माँ बाप के सरकार के समय पे जो भी गलतियाँ हुई या फिर जो भी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से जनता नाखुश रही उसको लेकर मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अब एक बार हो सकता है कि जिन तेजस्वी यादव ने अपने माँ बाप के की पार्टी की वजह से माफ़ी मांगी थी, हो सकता है कि अब उन्हें एक बार फिर अपने चाचा की वजह से माफ़ी मांगनी पड़े। चाचा, उनके चाचा जो हैं इस समय जाप पार्टी के नेता हैं पप्पू यादव के नाम से, जिन्हें हम सब जानते हैं। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने एक अभी जो चुनाव रैली चल रही थी उसमें एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लालू की सरकार में जो गरीब भी बाबू साहब के सामने सीना ताड़कर चलते थे अब उन सभी गरीबों को एक समान हक मिलेगा। मतलब कि वो उन्होंने जो बाबू साहब इस जो पूरा उनका जो स्टेटमेंट था उनमें जो बाबू साहब शब्द का इस्तेमाल किया था इसको लेकर उन्हें हो सकता है माफ़ी मांगनी पड़े, क्योंकि जो उनके चाचा हैं पप्पू यादव उनका कहना है कि तेजस्वी को चुनाव के समय पर इन गलतियों को करने से बचना चाहिए था और अगर तेजस्वी ने ऐसे अब गलती कर दी है तो उन्हें इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि इस बयान की वजह से, इस एक शब्द की वजह से, क्योंकि जो शब्द है इसे लेकर ही जो बिहार में ढेरों पार्टियां हैं, ढेरों जो दल हैं, महागठबंधन है, ये सभी अब जो है वो आरजेडी के ऊपर हावी हो रही हैं, हमला बोलती जा रही हैं लगातार ही। तो इसी बात पे, इसी बयान पे जो तेजस्वी यादव हैं उनके चाचा यानी कि पप्पू यादव ने एक उन्हें समझाइश दी है कि अपने इस बयान के लिए वो माफ़ी मांग ले, नहीं तो हो सकता है इस एक शब्द का हर जाना तेजस्वी यादव को चुनाव की हार के रूप में इसका सामना करना पड़े। तो देखते हैं कि अब तेजस्वी यादव जो पहले एक बार माफ़ी मांग चुके हैं वो क्या अब एक बार फिर अपने चाचा के कहने पर माफ़ी मांगते हैं या नहीं। नमस्कार।